एक बच्ची के रूप में जी टीवी पर सारेगामा की चिल्ड्रन स्पेशल एपिसोड की प्रतियोगिता का खिताब उन्होंने जीता। उस समय आज के प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने इस कार्यक्रम की मेजबानी की थी। कल्याण जी जो प्रतियोगिता के निर्णायक थे, उन्होंने उनके माता पिता को मुंबई आने के लिए मनाया। उन्होंने 18 महीनों तक उनसे शिक्षा ली और मुंबई के मुक्त भिड़े से शास्त्रीय संगीत की तालीम को जारी रखा। रावत भाटा के एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल और अणु शक्ति नगर मुंबई में उन्होंने पढ़ाई की। स्नातक के लिए उन्होंने SIES कॉलेज के कला संकाय में दाखिला लिया। दोस्तों, फिल्म निर्देशक संजय लीला भंसाली का ध्यान अपनी ओर उन्होंने तब खींचा जब उन्होंने सारे गामापा में दूसरी बार भाग लिया। उस समय वे वयस्कों के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग ले रही थी। साल 2000 में उन्होंने अपनी फिल्म देवदास में मुख्य महिला किरदार पारो, जिस किरदार को ऐश्वर्या राय को निभाना था, की आवाज के लिए मौका देने का प्रस्ताव रखा। फिल्म में श्रेया ने इस्माइल दरबार के संगीत निर्देशन में 5 गाने गाए। दुनिया भर के फिल्मी दर्शकों ने ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया श्रेया घोषाल का गाना सुना और बहुत ही जल्द वे बॉलीवुड में अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, साधना सरगम और कविता कृष्णमूर्ति के साथ चोटी की पार्श्व गायिका बन गई। इस गीत ने उन्हें साल का सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। साथ ही उभरती प्रतिभाओं के लिए दिया जाने वाला RD बर्मन पुरस्कार भी उन्हें उसी पुरस्कार समारोह में दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ से श्रेया घोषाल ने अपने फिल्मी करियर को उड़ान दी और यहाँ से वो बन गई बॉलीवुड की नई आवाज। तो दोस्तों, आगे भी हम बात करेंगे श्रेया घोषाल के बारे में, उनकी आवाज के बारे में और उनके गाए हुए गीतों के बारे में। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे यानी नौशाद के साथ और सुनते रहिए सबरंग रेडियो 94.7 FM, सबरंग नई तरंग। आज दिल गुस्ताख है, पानी हो बे आग है, धड़कन भी बेदाग है, चल चल शरारत रे। सांसों में सैलाब है, क्या सुरी लगाव है, धड़कन भी बेदाग है।
दोस्तों देवदास के बाद ए आर रहमान, अनु मलिक, हिमेश रेशमिया, मणि शर्मा, एम एम किरावनी, नदीम श्रवण, शंकर एहसान लॉय, प्रीतम विशाल शेखर, हंसलेखा, मनोमूर्ति, गुरु किरण, इलिया राजा, युवन शंकर राजा और हैरी जयराज समेत बहुत सारे संगीत निर्देशकों के निर्देशन में बहुत सारी अभिनेत्रियों के लिए वे गाना गाती रहीं। उन्होंने उत्तर और दक्षिण फिल्म उद्योग के लिए बहुत सारे पुरस्कार जीते। भूलभुलैया के मेरे ढोलना गीत के लिए भी उन्हें बहुत वाहवाही मिली। आज श्रेया घोषाल फिल्म उद्योग की प्रतिष्ठित गायिका हैं और उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, कन्नड़, गुजराती, मैथिली, मराठी और भोजपुरी समेत विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में गाने रिकॉर्ड किए हैं। लगी है तुझसे लगन, चाहे कहो इसे आवारगी, चाहे कहो इसे दीवाना। अब दूरियां ना रही दरमिया, क्या रंग लाई वफा, ये मेरी धड़कने खुदा। I'm not.